गोपीनगर थाना क्षेत्र के बाबा धाम के पास ताश पत्ती खेल रहे युवकों में विवाद हो गया। तीन आरोपियों ने एक युवक के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोतीनगर थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि काकागंज निवासी 22 वर्षीय दीपक पिता मथुरा प्रसाद अहिरवार अविवाहित था। वह घर के पास ताश पत्ती खेल रहा था। इसी दौरान उसका अमित अहिरवार, अरविंद अहिरवार और रोशन अहिरवार से विवाद हो गया। तीनों ने उस पर हमला कर दिया। सिर में डंडों की चोट के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अरविंद, अमित व रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मजदूरी करता था। उसके परिवार में दो भाई व दो बहन हैं। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी, जिससे वह भाग नहीं पाए। भाई साहब, ये क्या घटना हुई है काकागंज? अभी सूचना ये प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जो है दीपक है, उसकी यहाँ काकागंज मुंगा मैदान के पास जो हत्या हो गई। सूचना की तस्दीक से घटनास्थल पर पहुँचे तो दीपक के पिता जो हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि उनके बेटे दीपक की हत्या जो है अमित ने अपने साथियों अरविंद और रविंद्र के साथ मिलकर की है। घटना की सूचना की तस्दीक की जा रही है और उसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना में जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसी कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण अभी साधारण गाली गलौज है, किसी विवाद पर से। ये सब साथ में बैठे थे, बैठने पर से किसी विवाद भी हो डंडा मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई अभी? अभी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है।